देखो ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, कहाँ गया? ये रोड बनाए हो, ये रोड बनाए हो, बाजार बना रखे हो, ये रोड। यूपी के इस विधायक ने जूतों से उखाड़ दी सड़क, घटिया निर्माण को लेकर भिड़ गए नेताजी। ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, कहाँ गया? ये रोड बनाए हो, ये रोड बनाए हो, बाजार बना रखे हो, ये रोड, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, रोड बना रखे हो, ये ठेकेदार तुम ही हो ना, हाँ? इसी तरह काम होता है, यही काम होता है, ये काम होता है, ये काम होता है, ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम ऐसा गाड़ी का चलेगी, गाड़ी चलेगी इस पर, गाड़ी चलेगी। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर की जखनिया विधानसभा से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक वेदी राम ने गाजीपुर के जंगीपुर से यूसुफपुर को जोड़ने वाली करीब 4.5 किलोमीटर की बन रही सड़क के घटिया निर्माण को लेकर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, नेताजी ने जूतों से ही सड़क की मजबूती नाप दी है। मतलब वायरल हो रहे वीडियो में सुभासभा एमएलए वेदी राम जूते से सड़क रगड़ कर ठेकेदार को डांटते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एमएलए वेदी राम ने जूते से सड़क रगड़ने के बाद सड़क की गिट्टियां बिखर जाती है। इस सड़क के निर्माण में प्रयोग की गई गिट्टी जूते के रगड़ने से ही अलग होती हुई दिखाई दे रही है। इस सड़क के निर्माण को लेकर बताया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र जखनिया गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे खराब सड़क बनने की सूचना ग्रामवासियों द्वारा दी गई थी, जिसके बाद औचक निरीक्षण करने विधायक पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी नहीं मिला। वहीं जब ये वीडियो वायरल हुआ तो विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, माननीय विधायक गण सड़कों की हालत पर है शर्मसार, क्या लोक निर्माण की यही हकीकत है सरकार? माननीय विधायक गण सड़कों की हालत पर है शर्मसार, क्या लोक निर्माण की यही हकीकत है सरकार? हालांकि यूपी में सड़क का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यूपी में सड़क निर्माण को लेकर कई वीडियो सामने आए हैं। इससे पहले यूपी के पीलीभीत से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक हाथ से ही सड़क को उखाड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब एक बार फिर से सड़क निर्माण में लापरवाही हुई है, जिसकी पोल खुद नेताजी ने खोल दी है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।